हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रेडमी या शाओमी के स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपका फेवरेट कंपनी है रेडमी या एमआई, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेडमी के स्मार्टफोन आज यानी 25 दिसंबर को परचेज करते हैं तो आपको बहुत सारे स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छी डिस्काउंट मिल जाने वाली है। लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे भी हैं जिसमें आपको डिस्काउंट मिलने के बावजूद वो आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन नहीं होगा, उसमें आप फंस सकती हैं, क्योंकि उससे कम प्राइस में आपको उससे बेटर ऑप्शन मिल जाने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेल है, इस सेल का लास्ट डेट आज है यानी 25 दिसंबर और इस सेल का नाम है नंबर 1 एमआई फैन सेल। तो दोस्तों, इस सेल में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसको आपको परचेज करना चाहिए और बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिसको आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए। तो मैं एक एक करके सभी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि उस स्मार्टफोन को आपको परचेज करना चाहिए या नहीं, और उसके अलावा आपको उसी प्राइस रेंज में आपको कौन सा बेटर ऑप्शन मिलता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस सेल का जो फर्स्ट स्मार्टफोन है वो है Redmi Note 7 Pro। आप देख सकते हैं ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अभी 9,999 रुपये में मिलेगा, जो कि 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर मिलता है और इसमें आपको फुल HD प्लस का रेजुलेशन मिल जाता है। तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा 10,000 के प्राइस रेंज में। इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। जो दूसरा नंबर का स्मार्टफोन होने वाला है वो Redmi Note 7S। ये जो फोन है ये आपको अभी 8,999 रुपये में मिल जाने वाला है, यानी कि 9,000 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस फोन में भी आपको Redmi Note 7 Pro के जैसा ही स्पेसिफिकेशन मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है, और वहीं Redmi Note 7 में आपको 675 का प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी 9,000 के प्राइस रेंज में आपको कोई भी स्मार्टफोन में फुल HD प्लस का रेजुलेशन नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस फोन को भी आप परचेज कर सकते हैं, ये भी वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए। और दोस्तों, जो तीसरा स्मार्टफोन होने वाला है वो है Redmi 8A। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन होगा, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है Infinix Hot 8, जो कि इससे ज़्यादा आपको उसमें 4GB रैम मिलता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और उसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो इस फ़ोन से ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है Infinix Hot 8। और दोस्तों, जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है Redmi 7A। तो दोस्तों, मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अगेन बोलना चाहता हूँ कि आप Infinix का स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। और जो अब नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो आता है फिर से Redmi Note 7 Pro। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्मार्टफोन है ये आपको 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का मिलता है, जो कि आपको 11,999 रुपये में मिल जाता है। तो आप इस फ़ोन को भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, वो है Redmi Go। तो दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को अभी परचेज करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंग होने वाला स्मार्टफोन है। आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी परचेज ना करें, ये मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है MI A3। दोस्तों, अगर आप TikTok वीडियो बनाते हैं या YouTube पे फेसकैम वीडियो बनाते हैं सेल्फी कैमरा से, तो ये आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है 11,499 रुपये में, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है सेल्फी शूटर के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Redmi 8। तो दोस्तों, इस फोन को भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, अब आता है Redmi K सीरीज। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि Redmi K20 या K20 Pro परचेज करें, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस फोन को आप परचेज करें, क्योंकि आपको 17,000 के प्राइस रेंज में आपको Realme X2 मिलता है और इससे बेटर आपको स्पेसिफिकेशन उस फोन में मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज करें। और दोस्तों, अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है Redmi Note 6 Pro। तो दोस्तों, इस फोन को भी आप बिल्कुल भी परचेज नहीं करें, क्योंकि इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है, डिजाइन है, वो उतना खास नहीं है, क्योंकि ये पुराना स्मार्टफोन है और इससे अच्छा स्मार्टफोन आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाने वाला है। तो आप इस फोन को बिल्कुल भी परचेज ना करें।
और दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पोको F1 को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर मिलता है जिसमें आप पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को बहुत ही अच्छे से खेल पाएंगे। लेकिन इस फोन में आपको बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है, प्लास्टिक बॉडी मिलता है। अगर आपके लिए गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चाहिए तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे स्मार्टफोन को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था MI और Redmi का स्मार्टफोन, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसे आपको परचेज करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसको आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी प्राइस रेंज में, यहाँ तक कि उससे कम प्राइस में उससे बेटर ऑप्शन मिल जाता है, तो आप दूसरे स्मार्टफोन को भी उसके जगह पे देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि MI कंपनी में आपको कौन कौन से स्मार्टफोन में आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसको भी पता चल सके। तो दोबारा मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।